नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एग्ज़ाम स्कोर में। क्लास एट की सेवन ए। एक्सरसाइज करा रहे हैं, ठीक है। गलती से उसमें ना सेवन लिखना भूल गए थे, ठीक है। सेवन ए एक्सरसाइज करा रहे हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करिए, ठीक है, और व्हाट्सएप पे भेजिए, ठीक है। क्वेश्चन को आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, 2 by -4 upon 3 by +2 = -2/3, ठीक है। देखो हिंट में क्या दिया है, हिंट में इसकी इसकी हिंट में बुक में दिया है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ओके। ना आपको कन्फ्यूज है कि माइनस किसके साथ रखें, रखो किसी एक के साथ, लेकिन इसमें बोल दिया तो उसी के साथ रख लेते, ठीक है। अब इस जो 3 का है इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस चीज पूरी वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, कर दो 2 by +4 into 3, 2 by into 3 by +2, इसका से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 by 12 = इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 6 by -4। एक 6 को इधर लाएंगे तो 6 by +6 y - 4 + 12, ठीक है। ये 12 y, ये हमारा कितना हो जाएगा +8, ओके। y = 8/12, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार कटेगा, 4 से ये 3 बार कटेगा, तो बाई की जो वैल्यू आगी हमारी कितनी आएगी 2/3, ओके। ये हमारा आंसर मिल गया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक वीडियो एक बार रिवाइज करके फिर देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कराते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18, x/4 - 3/5 / 4/3 - 7x = -3/20। तो आपको पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं -3/20, ओके। अब हमें ना इस चीज़ को पहले सॉल्व करना है, तब हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 20 LCM ऊपर, एक और फिर देखो इस लाइन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 20 इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 का डिवाइड देंगे 20 में तब भी 5 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टी तब भी 5, तो 5x। इस 5 का देंगे तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई 3 × 4। अब लाइन ये वाली बढ़ी, ये वाली हमारी ये लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, ओके। 3 4 7x * 3, ये हमारा -3/20। अब इसको क्या करेंगे, 5x - 12
और 20 बड़ी लाइन, ठीक है, 4 माइनस 21 एक्स अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 20। मैं एक बार बता दे रहा, जो हमारी ये मेन लाइन है ना, मेन ये हमारी मेन लाइन है ये वाली, ये माइनस काली से कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ा, ठीक है, इसी पे एक ऊपर फ्रैक्शन एक नीचे फ्रैक्शन, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, देखो इस चीज़ का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें होगा, तो इसका इसमें करें तो 5x माइनस का 12 इंटू 3, ओके, 4 21x इंटू 20 माइनस 3 अपॉन 20, ओके, दिख रहा यहाँ तक? हाँ दिख रहा। तो देखो अब यहाँ तक सॉल्व हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई, देखो इस 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से 20 ये 20 कट गया, तो देखो पूरा सॉल्व हो के हमारा क्या आ गया, 5x माइनस 12, यहाँ 1 बचेगा, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 4 माइनस 21x, ठीक है, और यहाँ जो हमारा पूरा कट कट गया तो हमारा एक माइनस 1 बचा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस का 12 माइनस 4 माइनस 21x, 5x माइनस 12, अब इसका जब मल्टीप्लाई आएंगे माइनस का 4 प्लस का 21x, ठीक है, अब ये इधर आएगा तो माइनस का 12 प्लस का 4 इक्वल 21x माइनस का 5x, तो ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 7 बचेगा, नहीं सॉरी 8 बचेगा, माइनस का 8, ठीक है, ये हमारा कितना बचेगा हमारा प्लस का 16x, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, इस चीज़ का इसमें कहते माइनस 8 अपॉन 16x, इसे काटेंगे तो 1 अपॉन 2 इसकल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस का, ठीक है, ये मैं इस पर आंसर लिख लेता हूँ जिससे आपको ना हम आंसर देख सके सही है गलत है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है, ये देखो ये लिख लिया मैंने आंसर, तो कभी कभार ना मिस्टेक हो जाती है, तो पहले वीडियो में मिस्टेक हो जाती है, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, हो जाती है कैलकुलेशन में, लेकिन आई होप एक बार दोबारा से इसको देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा स्टेप समझ में नहीं है, अगर वो स्टेप समझ में नहीं है उसको दो बार समझो कैसे बना है ऑटोमेटिक आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार जरूर एक बार सब्सक्राइब करें, देखो हाँ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, आपको लगता है एक्चुअली अगर स्टूडेंट आपकी क्लास में अगर 50 हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 50 को आपको सब्सक्राइब कराना है, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा मेरे पास कमेंट आएगा उतनी स्पीड से और उतने अच्छे तरीके से और वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा बनाएंगे, सबके बनाएंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, एक कमेंट लिखें सर अच्छा लगा, ठीक है, जो कमियां उसमें लिखें, और जो कमेंट करते हैं वो उन्हें करने दो, आप लोगों को अगर प्रॉफिट हो रहा तो आप करिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 2x प्लस का 3 माइनस का 5x माइनस का 7 6x प्लस का 11 इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन 3, इसको देखते हैं बच्चों कैसे करना है, ठीक है।
पहले हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते, तो 2x प्लस का 3, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 प्लस का 7, 6x प्लस का 11 इक्वल टू माइनस का 8 और 3, ये माइनस का 3x, ओके, इसको इसमें से देखो, प्लस का 2 माइनस का 5 तो प्लस माइनस का 3x बचेगा, ये प्लस का 10, अब हमें नहीं लगता यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये तो पूरा वही क्वेश्चन बनेगा, इसका इसका इस चीज़ का 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना, इस पूरी चीज़ का इसमें मल्टीप्लाई करना, तो देखते हैं माइनस का 3x प्लस का 10 मल्टीप्लाई 3, ओके, माइनस का 8 मल्टीप्लाई 6x प्लस 11, यहाँ वन बनाने भूल गए, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो माइनस का 9x, ओके बच्चों, प्लस का 30, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 48, 48 वो भी माइनस का एक्स, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे माइनस का 88, अब कुछ नहीं, देखो ये इस साइड आएगा माइनस का 9x प्लस का 48x, ये इस साइड आएगा 88 माइनस का और ये प्लस का वो भी इधर माइनस का 30, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बचे हमारा आएगा 39 वो भी प्लस का एक्स, ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 118 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का, ठीक है, 39 एक्स, सॉरी यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू 118 अपॉन 39, आई होप ये आंसर बुक में है, हाँ ये आंसर बुक में, एक बार चेक करना जरूरी है, तो मिस्टेक हो जाता है तो उसको यहाँ सही भी चेक करके कर सकते हैं, बच्चे ढूंढ नहीं पाते मिस्टेक, ठीक है, पहले वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हुई, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, बस वैसे मैंने आंसर सही नहीं देख पाई, अब पहले से लगा के देख, कुछ बच्चों को कमेंट सब पहले से अच्छे से सॉल्व करके लिख लीजिए, अरे मेरे भी बहुत सारे काम हैं, हम नहीं इतना सारा कुछ कर पाते हैं, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, 17 टू माइनस एक्स अपॉन, और भी आ गया माइनस 5 एक्स प्लस 12 वन माइनस 7x इक्वल टू 8, ओके बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन लिख गया, कैसे करना है आपको बहुत ध्यान से देखना, इसको पहले उस ऊपर वाले को सॉल्व करना है, ठीक है, 7 34 माना 17x इसका 5x माइनस का 60, ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया 1 माइनस 7x, ओके 8, क्या करना है बस सॉल्व करेंगे, ये कितना बचेगा हमारा 26 माइनस का, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बचा माइनस का 22x,
अपॉन 1 माइनस 7x बराबर 8। तो मैंने माना 8 हो तो उसके नीचे 1 मान लेते, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -26 माइनस का 22x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 7x, माइनस का 26 प्लस का माइनस का 22x, ठीक है, 8 माइनस का 8 7 56x। अब देखोगे ये उस ये इधर आएगा वो इधर जाएगा, तो माइनस का 22x प्लस का 56x ये इधर आ जाएगा माइनस का, और ये देखो 8 प्लस का 26। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये हमारा 434x, ये हमारा कितना बचेगा, ये भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 34 आएगा, तो एक्स स्क्वल टू हमारा लगता है 1 आ जाएगा। देखें हाँ ये बनी है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इतनी थी लेकिन आंसर 1 आया, ठीक है, गला सूख गया था बोलने से, ठीक है, आवाज़ भी थोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अगर समझ में ना आए इस चीज़ को दोबारा से देखा करो, ठीक है। ट्वेंटी वन में देखते हैं क्या है, 21 में फोर प्लस एक्स फाइव माइनस एक्स 2 प्लस एक्स 7 माइनस एक्स अपॉन इक्वल टू 1, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेंगे देखते हैं, इसका ऐसे में सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये सीधा इतना बन जाएगा, तो ये क्वेश्चन तो मैंने शायद आगे ऐसी टाइप की करवाई थी, चलो देखते हैं। इस 4 का मल्टीप्लाई 5 में तो 20, इस 4 का x में तो -4x, इसका s में तो प्लस का 5x, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे इसमें इसका 14, इसका इसमें मल्टीप्लाई का 14, ठीक है, 2 5 जा इस 2 का इसमें होगा तो -2x, इसमें होगा तो प्लस का 7x, इस चीज़ का इसमें को बता दे रहे, पहले देखो इसका मैंने इसमें किया, ठीक है, फिर इसका इसमें किया, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो देखो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो 20 प्लस का एक्स की 4 जे हैं 5 ही हैं तो प्लस का एक्स बचेगा, ठीक है, 14 ये 2 इधर 7 है तो प्लस का 5x, ये देखो इधर आएगा तो 20 माइनस 14 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो हमारा 5x माइनस का x, तो इधर देखें इसको देखोगे तो हमारा 6 बचेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें तो हमारा 4x, 6 अपॉन 4 इक्वल टू x, 2 से काट देंगे तो 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर टू हमारा 3 अपॉन 2। ओके बच्चों, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट कराते हैं 22। Thank you.
ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है बच्चों। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, इस चीज़ कैसे मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर इसका कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, देखो ये ब्रैकेट लगा माइनस लगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका इसमें करेंगे, देखो इसका इसमें किया, इसका इसमें करेंगे तो 2x, अब इसका इसमें करेंगे तो एक्स प्लस टू, ओके, इसका इसमें, इसका इसमें एक्स प्लस टू। अब देखो 6 इंटू 5 एक्स प्लस वन। अब देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस का 3x प्लस का 2, ये हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करें, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इसका 30x, इसका इसमें, इसका इसमें प्लस का 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 30x प्लस का 6, ठीक है, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 6 ये इधर आ गया, 30x प्लस का 3x, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 8, ये कितना हो जाएगा 33x माइनस का 8 अपॉन 33x, तो x इक्वल टू हमारा माइनस का 8 अपॉन 33, कैसा लिख दिया, ठीक है, ये हमारा आंसर मिल गया। तो आई होप सारे क्वेश्चन मैंने 22 के करा दिए थे, जो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन कराएंगे, जब रिवीजन आएगा, जब असाइनमेंट कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो उसको भी हाई क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, तो मेरा एग्जाम स्कोर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छा लगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।